This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायरा एडवानी कार्तिक आर्यन मूवी के बारे में, जिसका नाम है भूल भुलैया 2। अगर इस मूवी को देखना चाहते हो और साथ ही साथ इस मूवी को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और भूल भुलैया टू अनुवाद भूल भुलैया 2022 भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित है, जिससे आकाश कौशिक और फरहाद समाजी ने लिखा है और टी सीरीज फिल्म्स और मुराद खेतानी के बैनर तले भूषण कुमार और कृष्णा कुमार द्वारा निर्मित है और अंजुम खेतानी सिने स्टूडियो के बैनर तले भूल भुलैया 2007 का एक स्टैंड अलोन सिक्वल फिल्म में तंबू कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी है और रूहान रदवा का अनुसरण करते हैं, जो एक धोखेबाज मानसिक है जिसे मंजुलिका की वापसी से निपटने के लिए लाया जाता है, जो एक देशपूर्ण आत्मा है जो बदल लेने पर आमाद है। ठाकुर परिवार प्रिंसिपल फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई। फिल्म मकान फरवरी 2022 में पूरा हुआ। मुख्य रूप से लखनऊ में एक वास्तविक हवेली में फिल्माया गया। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। आर्यन ने फिल्म को क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए फरमान करते हुए पल भर में अपनी आवाज़ को दी। भूल भुलैया 2 के स्कोर को संदीप सिरकोडर ने संगीतबद्ध किया था, जबकि गीतों में प्रीतम और तंसिक बागची ने संगीतबद्ध किया था, जिससे बोल आमिता चाचाए समीर यो हानी सी मेडी गिल और सवेरी वर्मा ने लिखे थे। इसमें नीरज दीतर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइगर ट्रेक का रीमेक संगील है। शुरुआत में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए तैयार भूल भुलैया 2 को 19 महामारी के कारण देरी हुई थी। यह नाटकीय रूप से 20 मई 2022 को भारत में जारी किया गया था और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। विशेष रूप से कार्तिक आर्यन और तब्बू के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ 19 जून 2022 तक फिल्म ने दुनिया भर में 2597 करोड़ कमाई और 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। और सबसे पहले भूखंड भवानीगढ़ के एक हवेली में 2004 पुजारी एक देशपूर्ण भवाना को सीमित करते हो, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमादा है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान रधवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गुहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में
उन्हें यात्रा करनी थी। एक दुर्घटना में हर यात्री की मौत हो गई। रीत का परिवार 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चरेरी बहन त्रिषा सुन नहीं पाई। रीत त्रिषा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा कर देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार को अनुमानों के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी ने हवेली को दरवाजे खोले और रीत के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और ग्रामीण हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर रिश्ते को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे हवा ले गई और उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैतृक हवेली में रहने और उसकी बहन त्रिषा की शादी को देखना चाहते हैं। अपने परिवार को पुश्तैनी हवेली में रहते और अपनी बहन त्रिषा की शादी को देखने के लिए रूहान के प्रभाव में ठाकुर सागर के साथ त्रिषा की शादी तय करते हैं। रूहान आत्माओं के साथ संबंध करने की अपनी अनुमानित क्षमता के कारण रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है। रूहान और रीत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, अंजुलिका रीत की भाभी उसे कमरे में दूर रहने की चेतावनी देती है और अंतित का खुलासा करती है। मंजुलिका की आत्मा है अंजुलिका की जुड़वा। जब उनके पिता को ठाकुरों के लिए खातों में प्रधान करने के लिए वह कहा गया तो बहने हवेली में चली गई। मंजुलिका के ऊपर उनके पिता द्वारा अंजुलिका की प्रतिभा का समर्थन करने से बाद में इस या पैदा हुई, जो वर्षों बीतने के साथ साथ उसकी बहन के लिए गुना में बादल गई। दोनों बहनों को उठा रहा साल 18 साल पहले 2004 में रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया था। हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने में अंकात की तलाश की थी ने उसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मराजक में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मूत ने होने बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया और कुछ दिन बाद 18 साल पहले हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काल जादू
सीखने के एकांत की तलाश की थी, ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला दिया किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बहरमई से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मरक्षा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रहे। उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीता को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाशी का नृत्य करते हैं। यह जानते हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, रीत ने वहाँ छिपने का संकल्प लिया और छोटे पंडित के आरोप परिवार पर झूठे साबित होते हैं। मुद्क मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जिसे रीत के जीवित होने की सच्चाई का पता चलता है और रूहान और रीत के साथ हाथ मिलाती है ताकि आत्मा को भगाया जा सके। वे उसी पुजारी से मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन की आवश्यकता है। मंजुलिका की आत्मा उस पुजारी के पास है जो उसे अपने द्वारा मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान का सामना आत्मा से होता है और वह डर के मारे छत से गिर जाता है और कुछ दिन बाद रूहान महल में लौटता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है कि वह उसके पास है। ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान ने अंजुलिका पर हमला किया, जो रीत को मानवा ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर रूहान उस पर हमला करता है और उसे अंजुलिका के रूप में संबोधित करता है तो उसका गला काटने की धमकी देकर परिवार को प्रभावित करता है। रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के पास होने का एक काय कर रहा है और बताता है कि फंसी हुई आत्मा अंजुलिका के साथ है और जो उठा रहा वर्षों 18 साल वर्षों से परिवार के साथ रह रही थी है, वह मंजुलिका है। 18 साल पहले मंजुलिका की शादी होने का खुलासा करने वाली पुजारी की मदद से अपने पिता की हत्या करने के बाद मंजुलिका ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू को प्रभाव में मंजुलिका को वेश में अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसने आत्मरक्षा के बहाने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। जब उदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उसे लकवा मारकर बालकनी से धक्का दे दिया और इस तरह उसे अपना सच बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने परिवार के 8 सदस्यों को भी मार डाला। वर्तमान में मंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे कमरे में पकड़ लेती है। वह 18 साल से IN में फंसी हुई थी। अंजुलिका की आत्मा उसके परिवार के साथ एक
पल बिताती है और रीत के पिता से रीत को उसके झूठ के लिए माफ़ करके करने के लिए कहती है, जैसे उसने त्रिशा के लिए किया है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को जानने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी बहन के साथ उसका काम अधूरा है। जबकि अंजुलिका कमरे के प्रवेश करती है और मंजुलिका की चीखें सुनाई देती है। परिवार दूसरी बार हवेली को छोड़ देते हैं और फिल्म के संगीत प्रीतिमा द्वारा तैयार किया गया था, जबकि तनिष्का बागची शंकर टेक को फिर से बनाने के लिए अतिथि संगीतकार के रूप में दिखाई दी। और लिजो जांच के प्रीतम के साथ हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइवेड संस्कार को पनु प्रस्तुत किया। गीत अमिताभ चट्टुजाय, समीर योयो, हनी सिंह, मैंडी गिल और सवारी वर्मा द्वारा लिखे गए थे। गीत भूल भुलैये टू सिस्को ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैये के सिस्को ट्रैक से फिर से बनाया गया था, जिसे नीरज धीरज ने गाया था और समीर ने लिखा था। पनु निर्मित टेक में प्रीतम द्वारा रचित की एक अतिरिक्त कविता है, जिसके बोल मैंडी गिलन ने समीर को मूल गीतों के साथ लिखे हैं। मेलोडी और बाब के रैप के साथ नीरज धीरज ने गाने पर अपने सवारों को फिर से गाया है। प्रेक्वल के गाने अमी जे तुमर मेरे डोलना सुन को भी फिल्म में बरकरार रखा गया है। त्रेया घोषाल, जिन्होंने भूल भुलैये में मेरे ढोलना गया था, ने गाने के लिए अपनी आवाज़ दोहराई। घोषला के गायन के साथ गीत के तीन संस्कार ने हैं, वे हैं मेरे ढोलना, द सिस्टर्स मेरे ढोलना, पुनरिजित और अमीजे तुमर कियारा का डर हो, जो अरिजीत सिंह के साथ एक युगल गीत है। सिंह ने गीत को दो अन्य संस्कार भी गाए हैं, मेरे ढोलना अरिजीत संस्कारन और अमी दो तुमर डावड, जिसे बाद में तुषार जोशी ने फिल्म संस्कार के लिए गाया था। त्रिमा चंद्र ने फिल्म में गीत का एक और संस्कारन गाया है, जिसे मुखर्जी द्वारा अभिनीत के पिता पर चित्रित किया जा रहा है। इस संस्कार को फिल्म में केवल संक्षेप सुना जाता है और आधिकारिक साउंडट्रैक में शामिल नहीं किया जाता है। 15 जून 2022 को टी सीरीज ने लीजो जांच द्वारा हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइव संस्करण जारी किया, जिसमें तुलसी कुमार ने अपने गायन को दोहराया। जहां उल्लेख किया गया है, उसे छोड़कर सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है, जिसमें कम लोगों फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन में उछाल दिखाया। दूसरे दिन लगभग 35 से 40% की एक समान वर्धित हुई है और यह दर्शकों को स्वीकृत का संकेत है। भूल भुलैये 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 14 लाख 11 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 18 लाख 34 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने कुल घरेलू सप्ताह संगीत को 55 लाख 96 करोड़ तक ले जाते हुए 23 लाख 91 करोड़ का संगीत किया। 20 जून 2022 तक फिल्म ने भारत में 2,736 करोड़ की, विदेशों में 42 से 61 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 25 से 97 करोड़ के सकल संग्रह के लिए 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।
अहमियत भरा जवाब भूल भुलैया टू को आलोचकों से संक्रमण समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया पूरी तरह से मनोरंजक है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। द टाइम्स ऑफ केबल बी डे पुरस्कार भारत में इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया टू दुख और सुख एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस से के रोहित वत्स ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया टू एक साउंड एंटरटेनर है और विशिष्ट बॉलीवुड मसाला फिल्मों की पंक्ति में अगली है। पिंकविल के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक कियारा और तबू लायू अपने हिस्से तक फिल्म में एक सामूहिक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लाने की क्षमता है। इंडिया ढूंढे के तुषार सोसी ने इसी तरह फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया टू में सभी है मसाला और मसाले स्वाद कलियों को तुपत करने के लिए यह जगहों पर मज़ेदार है। डरवाना होने की कोशिश करता है ज़्यादातर समय, लेकिन अपने शिष्य की तरह इसके प्रयास कहीं भूल भुलैये में खो जाते हैं। लहराने की भारती प्रधान ने भी इसे वही रेटिंग दी और लिखा, तब्बू ने एक बार फिर साबित किया कि वह प्रदर्शन में बहुमुख प्रतिभा का एक दुर्लभ मित्र है। एक गिरफ्तार चेहरे के साथ यह उस तरह की फिल्म नहीं है जहां आप तक की तलाश में सकते हैं, जिसमें अपने कुछ भूखंड भवानीगढ़ एक हवेली में 2004 पुजारी का एक देशपूर्ण भावना को सीमित पुजारी एक देशपूर्ण भावना को सीमित करते हैं, जो परिवार एक बहु अंजलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमाद है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान रदवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गुहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम कर देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी एक दुर्घटना में हर यात्रा की मौत हो गई। रीत का परिवार उठा रहा साल 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चचेरी बहन त्रिशा सुन नहीं पाई, रीत त्रिशा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा और देती है उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए। रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार के अनुमान के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में पिछने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित का एक पुजारी ने हवेली के दरवाजे खोले और रित के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और गर्मीन हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर सिस्टी को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे वहां ले गई है। उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को
पेंडुक हवेली में रहने के और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखने की है। उसे बुला 18 साल पहले हालांकि अदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को पुकोहित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने के एंकात की तलाश की थी ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और अदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बहरमाई से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और अंतमा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मूत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान को रीत को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से जिनका रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित है रहा है। छोटे पंडित हवेली में तलाश आने का नृत्य करते हैं यह जानने हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। रीत ने वहाँ छिपना के संकल्प लिया और छोटे पंडित के रूप में परिवार के झूठ बोला साबित कर दिया। हेलो का दोस्त बॉलीवुड विनर अफ बाबी खोसला विनय पाठ द्वारा अभिनीत अंत उसे तानी का प्यार जीतने के लिए राज कपूर नाम के एक जोरदार और मज़ेदार लड़के में बदल देता है। इसे 12 दिसंबर 2008 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था और झोपड़ा की पिछली निर्देशित फिल्म मोहब्बत 2000 के बाद 8 साल के अंतराल के बाद में निर्देश में वापसी हुई थी जिसमें खान ने भी अभिनय किया गया था। रब ने बना दी जोड़ी मुख्य रूप में मुंबई में आतंकवादी हमलों के बाद सिनेमा बाजार की स्थितियों के बारे में और अस्काओं के कारण खान ई द्वारा फिल्म को रिलीज से पहले भारी प्रचारित नहीं किया गया था। रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दी। इसे एक साल के अंत में सुपरहिट घोषित किया गया था और अपने नाटकीय प्रदर्शन के अंत इसने दुनिया भर में 157 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो विदेशों में वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। साथ ही और खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का साउंडिंग सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह स्टोर पर 10 एल्बम की बिक्री तक पहुंचाने वाला पहला बॉलीवुड साउंडर बन गया। फिल्म की पटकथा को कई आलोचकों ने मान्यता दी थी और इसे रिलीज होने एक दिन बाद ही कॉमेडी ऑफ मोशन पिक्चर 68 एक साइज की गर्मित होहेरा लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सिकपट केवल शोक के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता लेख और अभिनेता निर्मित सरमंचों में से है जिसका नाम है सुरिंदर सानू शाहरुख खान पंजाब पावर के लिए काम करने वाला एक शर्मिल और मृदुभाषी कलैया कर्मचारी है जो फिक्सर सीरीज गुप्त एक रैना की खुशहाल बेटी तानी गुप्ता अनुष्का शर्मा की शादी में जाता है जिसका छात्र वह है था
उसे पहली नज़र में उसके प्यार हो जाता है, लेकिन वह इस वक्त नहीं करता है पता डूब गए से तानी के मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके कारण तबाह हुए फिक्सर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है। उस तुरंत एक अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी पर वह सुरिंदर की तानी से शादी करने की अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। सुरिंदर इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही तानी से प्यार करता है, जो मरने वाले फिक्सर गुप्ता की आखिरी इच्छा को पूरा करने में भी संकोच नहीं करता है। फिक्सर गुप्ता की मृत्यु को बांध सुरेंद्र का तानी के साथ अचानक विवाह हो जाता है और वह उसे पंजाब के अमृतसर में अपने पैतृक घर के ले जाता है। एक बार वह अपनी दयालु प्रकृति और उसके प्रीत समान दिखाना शुरू कर देता है। वह उसे अपना शयनकक्ष भी अपने पास रखने देता है और अटारी में सोता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। उस रात वह एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरेंद्र के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन कहती है कि वह उसे या किसी और से भी फिर भी कभी प्यार नहीं कर सकता। अगले दिन वह उसके लिए नाश्ता तैयार करना शुरू करती है और वह उसकी देखभाल के लिए आभारी है। बाद में तानी को अमुस्तार में एक नई प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है और सुरेंद्र से उसे इसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह स्वेच्छा से सहमत होता है और फीस का भुगतान करने में भी उसकी मदद करता है। सुरेंद्र बाद में अपने दोस्त बलविंदर ऑफ बाबी घोसला विनय पाठ के एक हेयर सैलून मालिक से कुछ सवारने की सलाह मांगता है, जो उसे तानी का प्यार जीतने में मदद करता है कर सके। बाबी सुरेंद्र को पूरा मेकओवर देता है, जिसमें उसे ना बनाना भी शामिल हो, जिसके उसे संवारने की सलाह देता है, उसे संवारने की सलाह जो उसे तानी का प्यार जीतने में मदद कर सके। बाबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपनी चश्मे का उपयोग नहीं करना, उसकी मूंछों को टीम करना, उसके केस को फैशनेबल सफाई की सेल में बदलना और इसके प्रकार के धूप के चश्मे और बड़े आकार के पोस्टर लेस के साथ काफी शैली है कपड़ों में फिट करना शामिल है। इस प्रकार वह राज कपूर नाम को एक जोरदार और मज़ेदार लड़के में बदल जाता है, जो तब जातानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को दो समूह में रखा जाता है, समूह हरा और समूह लाल। अधिक संख्या के साथ संयोग से राज और तानी की संख्या समान है, 21 अनुतियाँ में भागीदार बन जाते हैं। राज उसे नए को शांत छवि देने की कोशिश करता है और वह उसे देती है कि यदि वे जितना संभव हो सके अपने नृत्य को अभ्यास करते हैं तो वे रूप से प्रतियोगिता में प्रधान आएंगे। उस जिसके बाद राज सुरेंद्र के चरित्र को तानी के प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ मजाक उड़ाता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन में साथ काम करने की शुरू कर देता है। वह अंत सभी प्रतियोगिता प्रतिभागियों के बीच शर्मा 10 जोड़ों में चुना जाते हैं और फिर दोनों एक रेस्तरां में रात का खाना
खाने जाते हैं, जहां राज ने कई पानी पूरी खाने की उनकी बीच प्रतियोगिता झील जीत ली। हालांकि घर लौटने पर सुरेंद्र ने तानी दारा तैयार की गई बिरयानी को शालीनता से खाया और दोपहर रात का खाना खाने के पेट में दर्द हो गया और इसे खाने के लिए कुछ दिनों के बाद अपने जन्मदिन पर राज पूरा दिन तानी के साथ बिताता है और रात में आई लव यू का जादू बिखरने के लिए अमृतसर शहर की रोशनी को आकार देने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की समझाओ का उपयोग करके उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है। एक हैरान तानी को राज के बावजूद एक दुविधा का एक सम्मान करता है पड़ता है कि वे दोस्त बने सकते हैं भले ही वह उसकी भावनाओं को प्रतिदान करे ना करे। वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहती है जिससे वह भयभीत हो जाता है। सुरेंद्र को भी एक दुविध का सम्मान करता पड़ता है क्योंकि वह तानी को अपने भेष के बारे में नहीं बता सकता। उस भाभी से सुरेंद्र को रूप में प्यार जीतने की सलाह मिलती है लेकिन राज को रूप में नहीं। एक रात सुरेंद्र तानी को एक व्यापार में मेले में ले जाता है जहां वह जापान के लिए दो एयरलाइन टिकट जीतने के लिए मुसुमो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन अंत विशाल समूह पहलवान को हराने में सफल हो जाता है। यह देखकर तानी हैरान हो जाती है और घर की सुरेंद्र को चोटों को टेंसिंग करते हैं। समय वह उसके कायों के पीछे का कारण जानने की मांग करती है और उससे विनती करती है कि वह उस पर अपनी देखभाल ना करे क्योंकि वह उसे चुकाने में सजग नहीं होगी। सुरेंद्र समझाता है कि बस सच्चे प्यार का भुगतान नहीं किया जा सकता है और निराश है क्योंकि तानी इसे अपनी मूल रूप के रूप में नहीं बल्कि राज के रूप में नहीं देख सकता है। उस रात बाद में तानी एक गैरेज में राज के साथ फिर मिलती है और उसे अपनी द्विंद व्यक्त करती है। वह प्रतियोगिता के बाद अगली रात उसे उसके साथ भागने की फैसला करता है। सुरेंद्र बाबी को बताता है कि वह तानी के प्यार के लिए अपनी लालसा को त्याग कर अपनी संबंधी छोड़कर खुद को दिल्ली में स्थानांतरित करके इस रथ को अपने तरीके से समाप्त कर देगा। अगले दिन सुरेंद्र तानी को उसके प्रदर्शन के लिए और आंतरिक रूप से राज के बिना उसके जीवन के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सवन मंदिर में ले जाता है। वही तानी का मानता है कि भगवान ने उसे एक संकेत दिखाया है कि वह सुरेंद्र के साथ उसकी शादी देवी रूप से प्रेरिता है। पहली बार वह सुरेंद्र पर जितना करती है और उसके पास जितना रहता है। प्रतियोगिता के बाद अगली रात उसके साथ भागने का फैसला करता है। सुरेंद्र बाबी को बताता है कि वह तानी के प्यार के लिए अपनी लालसा को त्याग कर अपनी संपत्ति छोड़कर खुद को दिल्ली में स्थानांतरित के इस रथ को अपने तरीके से समाप्त कर देगा। अगले दिन सुरेंद्र तानी को उसके प्रदर्शन के लिए और आंतरिक रूप से राज के बिना उसके जीवन के लिए भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सहन मंदिर में ले जाता है। वही तानी का माना है कि भगवान ने उसे एक संकेत दिखाया है कि सुरेंद्र के साथ उसकी शादी देवी रूप से प्रवित है। पहली बार वह सुरेंद्र पर प्रतिबिंबित करती है और उसे अपने चरित्र में
ताकत और अखंडता का एक एहसास होता है, कुछ ऐसा जिसे वह प्यार में बदल देती है। उसे रात वह राज से कहती है कि वह उसे सुरेंद्र के ऊपर नहीं चुन सकती, क्योंकि वह यह भगवान को छोड़ने के बराबर है। वह उसकी आंखों में आंसू के साथ सदमे की स्थिति में उसे छोड़ देती है, लेकिन राज गुप्त रूप से खुश हो है कि तानी अपने सच्चे सौ से प्यार करती है। जब उनके प्रदर्शन का समय आता है तो तानी राज के बजाय सुरेंद्र को मंच पर शामिल होते हैं देखकर चौंक जाती है। नृत्य करके समय वह इस तथ्य के प्रीति जगती है कि वह फ्लैशबैक की एक को माध्यम से वह वास्तव में राज है। उनके प्रदर्शन के बाद तानी ने सुरेंद्र को मर्च के पीछे का सामना करना पड़ा और उसने स्वीकार दिया कि वह उससे भगवान से ज़्यादा प्यार करता है, कि वह स्वीकार करती है कि वह उसकी भगवानों और दोनों को अगले लगाती है। फिल्म सुरेंद्र और तानी को प्रतियोगिता जीतने के साथ समाप्त होती है और कहानी हर साधारण जोड़े में एक असाधारण प्रेमी कहानी है को करती है। फिल्म का अंत सुरेंद्र और तानी के व्यापार मेले में प्रपात टिकटों में माफिया से जापान जाने के साथ होता है, जिसका नाम है फिल्म मकान। मई 2008 में शुरू हुआ। यश चोपड़ा शूटिंग के दौरान मौजूद थे। पंजाब के अमृतसर में सावन मंदिर में खान के साथ एक हिस्से की शूटिंग की गई थी। सोरे खान को ओम शांति ओम 2007 के गीत डिस्को के लिए विकसित किए गए सिक्स पैंक एब्स को खोना पड़ा, क्योंकि वह एक बहुत ही सामान्य नियमित व्यक्तित्व की भूमिका निभा रहे थे। संगीत रिहाई स्मरण करना रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 120 से अधिक संकीर्णों पर रिलीज किया गया था, जिसके विदेशी बाजार के लिए लगभग 30 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले फिल्म ने बड़ी मात्रा में अंगीम बुकिंग देखी। अंतिम चोपड़ा को जो अपनी फिल्मों पर गोपनीयता बनाए रखने और रिलीज के दिन तक उन्हें अब किसी को नहीं दिखाने के लिए जाने जाते हैं ने एक उपवाद बनाया और 23 नवंबर 2008 को यश राज शूटिंगों में एक विशेष संकीर्णन आयोजित के संकीर्णन में खान और उनके परिवार करण जौहर, यश चोपड़ा और नवोदित शर्मा भाग लिया। इंडस्ट्री में इस बात को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी कि क्या आदित्य चोपड़ा को मुंबई में हुए अंतरिक्ष हमलों के मच्छेंद्र फिल्म की रिलीज हो गए आगे बढ़ाने के फैसला सही थी। 26, 27 और 28 नवंबर को मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमलों पर विभाजित रही थी, जबकि कुछ का माना आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन संकेत पर हमलों पर उसके बाद की खबरें देखने के बाद थकी हुई उदास जनता एक सच्चे मनोरंजकता की प्रतीक्षा कर रही होगी, जो अपने दिमाग को मोड़ने के लिए दूसरों ने सोचा कि उन्हें फिल्म को संगीत कर देने चाहिए। 10 को रूप में रिलीज न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में अभी के सिनेमाघरों में जाने के मूड नहीं थे। 25
उसे संवारने की सलाह देता है जो उसे तानिक प्यार जीतने में मदद कर सके। भाभी सुरेंद्र को एक फोन बदला देता है कि जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना, उसकी मूछों को ट्रिम करना, उसके केस को फैशनेबल सफाई की शैली में बदलाना और उसे एविटर प्रकार के धूप के चश्मे और बड़े आकार के पोस्टल लेस के साथ फंकी शैली के कपड़ों में फिट करना शामिल है। इस प्रकार वह राज कपूर नाम के एक जोरदार और मज़ेदार लड़के में बदल जाता है जो तब तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतियोगिता को दो समूह में रखना जाता है, समूह हरा और समूह लाल। संख्या के साथ संयोग से राज और तानी की संख्या समान है, 21 और नृत्य में भागीदार बन जाता है। राज उसे नायकों की शांत छवि देने की कोशिश करता है और वह इस उसे देती है कि यदि वे जितना संभव है हो सके अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिसके बाद राज सुरेंद्र के चित्रित को तानी के प्यार को जितने उम्मीद के साथ मजाक उड़ाता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और शुरू कर देती है वे अंत सभी प्रतियोगिता के बीच शर्मा 10 जोड़ों में चुने जाते हैं। और फिर दोनों एक रेस्तरा में रात का खाना खाने जाते हैं जहां राज ने कई पानी पूरी खाने की उनकी बीच प्रतियोगिता जीत ली। हालांकि घर लौटने पर सुरेंद्र ने तानी द्वारा तैयार की गई बिरयानी को शालीनता से खाया और दो बार रात खाना खाने से पेट में दर्द हो गया था। कुछ दिनों बाद अपने जन्मदिन पर राज पूरा दिन तानी के साथ बिताता है और रात में आई लव यू का जादू बिखरेना के लिए अमृतसर शहर की रोशनी के आकार देने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की समझौताओं का उपयोग करके उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है कि एक हैरान तानी को राज के बावजूद एक दुविधा का सामना करना पड़ता है कि वे दोस्त बने रह सकते हैं भले ही वह उसका भगवानों के प्रतिदान न करे। वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहती है जिसे वह प्रभावित हो जाता है। सुरेंद्र को भी एक दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह तानी को अपने भेष के बारे में नहीं बता सकता है। वो उसे भाभी से सुरेंद्र के रूप में प्यार जीतने की सलाह मिलती है लेकिन राज के रूप में नहीं। एक रात सुरेंद्र तानी को एक व्यापार मेले में ले जाते हैं जहाँ वह जापान के लिए सुमो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन अंत विशाल सुमो पहलवान को हराने में सफल हो जाता है। यह देखकर तानी हैरान हो जाती है और घर पर सुरेंद्र को चोटों को ड्रेसिंग करते हैं। समय वह उसके कायों के पीछे का कारण जानने की मांग करती है और उससे विनती करती है कि वह उस पर अपनी देखभाल न करे क्योंकि वह उस चुकाने में सजग नहीं होगी। सुरेंद्र समझता है कि वह सच्चे प्यार का भुगतान नहीं किया जा सकते है और निराश है क्योंकि वो तानी उसे अपनी मूल रूप के रूप में नहीं बल्कि राज के रूप में नहीं देख सकता है। उसे रात बाद में तानी एक गैरेज में राज के साथ फिर से मिलती है।
और उसे अपनी दुहिन भेंट करती है। वह प्रतियोगिता के बाद अगली रात उसके साथ भागने का फैसला करता है। सुरेंद्र बाबी को बताता है कि वह तानी के प्यार लिए अपनी लालसा को त्याग कर अपनी स्थानांतरित करके इस रथ को अपनी तरीके की समाप्त कर देगा। अगले दिन सुरेंद्र ताने को उस प्रदर्शन के लिए और आंतरिक रूप से रात के बिना उसके जीवन के लिए भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समन मंदिर ले जाते हैं। वही जानतानी का मानना है कि भगवान ने उसे एक संकेत दिखाया है कि सुरेंद्र के साथ उसकी शादी दैवी रूप से प्रीत है। पहली बार वह सुरेंद्र पर चितन करती है और उसके पास है जिसमें रहने की। फिल्म मकान मई 2008 में शुरू हुआ। यश चोपड़ा शूटिंग के दौरान मौजूद थे। पंजाब के अमृतसर में सवन मंदिर में खान के साथ एक हिस्से की शूटिंग की गई थी गी के खान को ओम शांति ओम 2007 के गीत दर्द ए डिस्को के लिए विकसित किए गए सिक्स पैंक एप्स को खोना पड़ा क्योंकि वह एक बहुत सामान्य नियमित व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। संगीत रिहाइश पालन करना रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 120 रिलीज हुई। का दोस्त बॉलीवुड हुई थी। यह नाटकीय रूप से 20 मई 2022 को भारत में जारी किया गया था और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। विशेष रूप से कार्तिक आयना और तबू के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ 19 जून 2022 तक फिल्म ने दुनिया भर में 2597 करोड़ मिलियन कमाई और 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। और सबसे पहले भूखंड भवानीगढ़ के एक हवेली में 2004 पुजारी एक देशपूर्ण भवाना को सीमित पुजारी एक देशपूर्ण भवाना को सीमित करते हो जो परिवार की बहू अंजुलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमादा है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान राधवा रीत से मिलता है जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गुहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी एक दुर्घटना में हर यात्री की मौत हो गई। रीत का परिवार 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चरेरी बहन तिरसा सुन नहीं पाई। रीत तुरसा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा कर देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार को अनुमानों के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतुक हवेली में छिपने का फैसला करते हैं लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी ने हवेली को दरवाजे खोले और रीत के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और ग्रामीण हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं जो झूठ बोलकर रिश्ते को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे हवा ले गई और उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैतुक हवेली में रहने और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखना चाहते हैं।
अपने परिवार को पुश्तैनी हवेली में रहते और अपनी बहन तुष्का की शादी को देखने के लिए रूहान के प्रभाव में ठाकुर सागर के साथ त्रिशा की शादी तय करते हैं। रूहान आत्माओं के साथ संबंध करने की अपनी अनुमानित क्षमता के कारण रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है। रूहान और रीत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, अंजुलिका रीत की भाभी उसे कमरे में दूर रहने की चेतावनी देती है और अंतित का खुलासा करती है। मंजुलिका की आत्मा है अंजुलिका की जुड़वा। जब उनके पिता को ठाकुरों के लिए खातों में प्रधान करने के लिए वह कहा गया तो बहने हवेली में चली गई। मंजुलिका के ऊपर उनके पिता द्वारा अंजुलिका की प्रतिभा का समर्थन करने से बाद में इस्या पैदा हुई, जो वर्षों बीतने के साथ साथ उसकी बहन के लिए गुना में बादल गई। दोनों बहनों को उठा रहा साल 18 साल पहले 2004 में रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया था। हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदलना लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने में अंकात की तलाश की थी ने उसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेहरमानी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मराजक में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मूत ने होने बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया और कुछ दिन बाद 18 साल पहले हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काल जादू सीखने के अंकात की तलाश की थी ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मरहा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसने आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रहे। उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीता को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाशी का नृत्य करते हैं। यह जानते हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा,
रीत ने वहाँ छिपने का संकल्प लिया और छोटे पंडित के आरोप परिवार पर झूठे साबित होते हैं। मुतक मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जिसे रीत के जीवित होने की सच्चाई का पता चलता है और रूहान और रीत के साथ हाथ मिलाती है ताकि आत्मा को भगाया जा सके। वे उसी पुजारी से मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन की आवश्यकता है। मंजुलिका की आत्मा उस पुजारी के पास है जो उसे अपने द्वारा मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान का सामना आत्मा से होता है और वह डर के मारे छत से गिर जाता है और कुछ दिन बाद रूहान महल में लौटता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है कि वह उसके पास है। ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान ने अंजुलिका पर हमला किया जो रीत को मानवा ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर रूहान उस पर हमला करता है और उसे अंजुलिका के रूप में संबोधित करता है तो उसका गला काटने की धमकी देकर परिवार को प्रभावित करता है। रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के पास होने का एक कार्य कर रहा है और बताता है कि फंसी हुई आत्मा अंजुलिका के साथ है और जो उठा रहा वर्षों 18 वर्षों से परिवार के साथ रह रही थी है वह मंजुलिका है। 18 साल पहले मंजुलिका की शादी होने का खुलासा करने वाली पुजारी की मदद से अपने पिता की हत्या करने के बाद मंजुलिका ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू को प्रभाव में मंजुलिका को वेश में अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसने आत्मराचका के बहाने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। जब अदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उसे लकवा मारकर बलकानी से धक्का दे दिया और इस तरह उसे अपना सच बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने परिवार के 8 सदस्यों को भी मार डाला। वर्तमान में मंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे कमरे में पकड़ लेती है। वह 18 साल से IN में फंसी हुई थी। अंजुलिका की आत्मा उसके परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता से रीत को उसके झूठ के लिए माफ़ करने के लिए कहती है, जैसे उसने त्रिशा के लिए किया है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को जानने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहन के साथ उसका काम अधूरा है। जबकि अंजुलिका कमरे के प्रवेश करती है और मंजुलिका की चीखें सुनाई देती है। परिवार दूसरी बार हवेली को छोड़ देते हैं और फिल्म के संगीत प्रीतिमा द्वारा तैयार किया गया था, जबकि तनिष्का बागची शंकर टेक को फिर से बनाने के लिए अतिथि संगीतकार के रूप में दिखाई दी और लिजो जांच के प्रीतम के साथ हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइवेड संस्कार को पनु प्रस्तुत किया। गीत अमिताभ चट्टुजाय, समीर योयो, हनी सिंह, मैंडी गिल और सवारी वर्मा द्वारा लिखे गए थे। गीत भूल भुलैये 2 सिस्को ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैये के सिस्को ट्रैक से फिर से बनाया गया था, जिसे नीरज धीरज ने गाया था और समीर ने लिखा था। पनु निर्मित टेक में प्रीतम द्वारा रचित की
एक अतिरिक्त कविता है जिसके बोल मैंडी गिलन ने समीर को मूल गीतों के साथ लिखे है। मेलोडी और बाब के रू रेप के साथ नीरज धीरर ने गाने पर अपने सवारों को फिर से गाया है। प्रेक्वल के गाने अमी जे तुमर मेरे डोलना सुन को भी फिल्म में बरकरार रखा गया है। त्रेया घोषाल जिन्होंने भूल भुलैये में मेरे ढोलना गया था ने गाने के लिए अपनी आवाज़ दोहराई। घोषला के गायन के साथ गीत के तीन संस्कार ने हैं, वे हैं मेरे ढोलना, द सिस्टर्स मेरे ढोलना, पुनरिजित और अमीजे तुमर कियारा का डर हो, जो अरिजीत सिंह के साथ एक युगल गीत है। सिंह ने गीत को दो अन्य संस्कार भी गाए हैं, मेरे ढोलना अरिजीत संस्कारन और अमीर दो तुमर डावड, जिसे बाद में तुषार जोशी ने फिल्म संस्कार के लिए गाया था। त्रिमा चंद्र ने फिल्म में गीत का एक और संस्कारन गाया है जिसे मुखर्जी द्वारा अभिनीत के पिता पर चित्रित किया गया जा रहा है। इस संस्कार को फिल्म में केवल संक्षेप सुना जाता है और आधिकारिक साउंडट्रैक में शामिल नहीं किया जाता है। 15 जून 2022 को टी सीरीज ने लीजो जांच द्वारा हम नशे में तो नहीं लोफी रिवार्डिव संस्करण जारी किया, जिसमें तुलसी कुमार ने अपने गायन को दोहराया। जह उल्लेख किया गया है उसे छोड़कर सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है, जिसमें कम लोगों फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन में उछाल दिखाया। दूसरे दिन लगभग 35 से 40% की एक समान वर्धित हुई है और यह दर्शकों को स्वीकृत का संकेत है। भूल भुलैया 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 14 लाख 11 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 18 लाख 34 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने कुल घरेलू सप्ताह संगीत को 55 लाख 96 करोड़ तक ले जाते हुए 23 लाख 91 करोड़ का संगीत किया। 20 जून 2022 तक फिल्म ने भारत में 2,736 करोड़ की, विदेशों में 42 से 61 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 25 से 97 करोड़ के सकल संग्रह के लिए 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अहमियत भरा जवाब, भूल भुलैया 2 को आलोचकों से संक्रमण समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया पूरी तरह से मनोरंजक है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। द टाइम्स ऑफ के बल्बी डे पुरकास्ता भारत में इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 दुख और सुख एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस से के रोहित वत्स ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 एक साउंड एंटरटेनर है और विशिष्ट बॉलीवुड मसाला फिल्मों की पंक्ति में अगली है। पिंकविल के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक कियारा और तबू लायू
अपने हिस्से तक फिल्म में एक सामूहिक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लाने की क्षमता है। इंडिया ढूंढे के तुषार सोसी ने इसी तरह फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 में सभी है मसाला और मसाले स्वाद कलियों को तुपत करने के लिए यह जगहों पर मज़ेदार है। डरवाना होने की कोशिश करता है जयादार समय, लेकिन अपने शिष्य की तरह इसके प्रयास कहीं भूल भुलैये में खो जाते हैं। लहराने की भारती प्रधान ने भी इसे वही रेटिंग दी और लिखा, तब्बू ने एक बार फिर साबित किया कि वह प्रदर्शन में बहुमुख प्रतिभा का एक दुर्लभ मित्रन है। एक गिरफ्तार चेहरे के साथ यह उस तरह की फिल्म नहीं है जहां आप तक की तलाश में सकते हैं, जिसमें अपने कुछ भूखंड भवानीगढ़ एक हवेली में 2004 पुजारी का एक देशपूर्ण भावना को सीमित पुजारी एक देशपूर्ण भावना को सीमित करते हैं, जो परिवार एक बहु अंजलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमाद है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान रदवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गृहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम कर देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी एक दुर्घटना में हर यात्रा की मौत हो गई। रीत का परिवार उठा रहा साल 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चचेरी बहन त्रिशा सुन नहीं पाई, रीत त्रिशा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा और देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार के अनुमान के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में पिछने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित का एक पुजारी ने हवेली के दरवाजे खोले और रित के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और गर्मीन हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर सिस्ती को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे वहां ले गई है। उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैंदुक हवेली में रहने के और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखने की है। उसे बुला 18 साल पहले हालांकि अदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को कुहिद और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने के एंकात की तलाश की थी ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और अदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बहरमाई से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और अंततमा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को 3री मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया
वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान को रीत को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित है रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाश आने का नृत्य करते हैं। यह जानने हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, रीत ने वहाँ छिपना के संकल्प लिया और छोटे पंडित के रूप में परिवार के झूठ बोला साबित कर दिया हुई थी। यह हवेली में फिल्माया गया। अन्य शूटिंग स्थानों में मुंबई और मनाली शामिल थे। आयन ने फिल्म को क्लाइमेक्स सीक्वेंस के लिए फरमान करते हैं हुए पल भर में अपनी आवाज़ को दी। भूल भुलैया 2 के स्कोर को संदीप सिरकोडर ने संगीतबद्ध किया था, जबकि गीतों में प्रीतम और तंसिक बागची ने संगीतबद्ध किया था, जिससे बोल आमिता चाचाए समीर यो हानी सी मेडी गिल और सावेरी वर्मा ने लिखे थे। इसमें नीरज दीतर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइगर ट्रेक का रिमेक संगील है। शुरुआत में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए तैयार भूल भुलैया 2 को 19 महामारी के कारण देरी हुई थी। यह नाटकीय रूप से 20 मई 2022 को भारत में जारी किया गया था और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। विशेष रूप से कार्तिक आयना और तबू के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ 19 जून 2022 तक फिल्म ने दुनिया भर में 2597 करोड़ मिलियन कमाई और 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। और सबसे पहले भूखंड भवानीगढ़ के एक हवेली में 2004 पुजारी एक देशपूर्ण भवाना को सीमित करते हो, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमादा है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान राधवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गुहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी एक दुर्घटना में हर यात्री की मौत हो गई। रीत का परिवार 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चरेरी बहन त्रिषा सुन नहीं पाई। रीत त्रिषा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा कर देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार को अनुमानों के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी ने हवेली को दरवाजे खोले और रीत के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और ग्रामीण हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर रिश्ते
को कवर करता है कि रईत की आत्मा उसे हवा ले गई और उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैतृक हवेली में रहने और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखना चाहते हैं। अपने परिवार को पुश्तैनी हवेली में रहते और अपनी बहन तुष्का की शादी को देखने के लिए रूहान के प्रभाव में ठाकुर सागर के साथ त्रिशा की शादी तय करते हैं। रूहान आत्माओं के साथ संबंध करने की अपनी अनुमानित क्षमता के कारण रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है। रूहान और रीत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, अंजुलिका रीत की भाभी उसे कमरे में दूर रहने की चेतावनी देती है और अंतित का खुलासा करती है। मंजुलिका की आत्मा है अंजुलिका की जुड़वा। जब उनके पिता को ठाकुरों के लिए खातों में प्रधान करने के लिए वह कहा गया तो बहने हवेली में चली गई। मंजुलिका के ऊपर उनके पिता द्वारा अंजुलिका की प्रतिभा का समर्थन करने से बाद में इस्या पैदा हुई, जो वर्षों बीतने के साथ साथ उसकी बहन के लिए गुना में बादल गई। दोनों बहनों को उठा रहा साल 18 साल पहले 2004 में रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया था। हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदलना लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने में एंकात की तलाश की थी ने उसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेहरमानी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मराजा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मूत ने होने बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया और कुछ दिन बाद 18 साल पहले हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काल जादू सीखने के एकांत की तलाश की थी ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेहरमानी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मरजा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसने आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रहे। उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीता को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाशी का नृत्य करते हैं। यह जानते हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा,
रित ने वहाँ छिपने का संकल्प लिया और छोटे पंडित के आरोप परिवार पर झूठे साबित होते हैं। मुतक मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है, जिसे रित के जीवित होने की सच्चाई का पता चलता है और रूहान और रित के साथ हाथ मिलाती है ताकि आत्मा को भगाया जा सके। वे उसी पुजारी से मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन की आवश्यकता है। मंजुलिका की आत्मा उस पुजारी के पास है जो उसे अपने द्वारा मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान का सामना आत्मा से होता है और वह डर के मारे छत से गिर जाता है और कुछ दिन बाद रूहान महल में लौटता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है कि वह उसके पास है। ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान ने अंजुलिका पर हमला किया जो रीत को मानवा ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर रूहान उस पर हमला करता है और उसे अंजुलिका के रूप में संबोधित करता है तो उसका गला काटने की धमकी देकर परिवार को प्रभावित करता है। रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के पास होने का एक काय कर रहा है और बताता है कि फंसी हुई आत्मा अंजुलिका के साथ है और जो उठा रहा वर्षों 18 वर्षों से परिवार के साथ रह रही थी है वह मंजुलिका है। 18 साल पहले मंजुलिका की शादी होने का खुलासा करने वाली पुजारी की मदद से अपने पिता की हत्या करने के बाद मंजुलिका ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू को प्रभाव में मंजुलिका को वेश में अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया, जिसने आत्मराचका के बहाने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। जब अदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उसे लकवा मारकर बलकानी से धक्का दे दिया और इस तरह उसे अपना सच बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने परिवार के 8 सदस्यों को भी मार डाला। वर्तमान में मंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे कमरे में पकड़ लेती है। वह 18 साल से IN में फंसी हुई थी। अंजुलिका की आत्मा उसके परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता से रीत को उसके झूठ के लिए माफ़ करने के लिए कहती है, जैसे उसने त्रिशा के लिए किया है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को जानने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहन के साथ उसका काम अधूरा है। जबकि अंजुलिका कमरे के प्रवेश करती है और मंजुलिका की चीखें सुनाई देती है। परिवार दूसरी बार हवेली को छोड़ देते हैं और फिल्म के संगीत प्रीतिमा द्वारा तैयार किया गया था, जबकि तनिष्का बागची शंकर टेक को फिर से बनाने के लिए अतिथि संगीतकार के रूप में दिखाई दी और लिजो जांज के प्रीतिमा के साथ हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइवेड संस्कार को पनु प्रस्तुत किया। गीत अमिताभ चट्टुजाय, समीर योयो, हनी सिंह, मैंडी गिल और सवारी वर्मा द्वारा लिखे गए थे। गीत भूल भुलैये 2 सिस्को ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैये के सिस्को ट्रैक से फिर से बनाया गया था, जिसे नीरज धीरज ने गाया था और समीर ने लिखा था। पनु निर्मित टेक में प्रीत द्वारा रचित की
एक अतिरिक्त कविता है जिसके बोल मैंडी गिलन ने समीर को मूल गीतों के साथ लिखे है। मेलोडी और बाब के रू रेप के साथ नीरज धीरर ने गाने पर अपने सवारों को फिर से गाया है। प्रेक्वल के गाने अमी जे तुमर मेरे डोलना सुन को भी फिल्म में बरकरार रखा गया है। त्रेया घोषाल जिन्होंने भूल भुलैये में मेरे ढोलना गया था ने गाने के लिए अपनी आवाज़ दोहराई। घोषला के गायन के साथ गीत के तीन संस्कार ने हैं, वे हैं मेरे ढोलना, द सिस्टर्स मेरे ढोलना, पुनरिजित और अमीजे तुमर कियारा का डर हो, जो अरिजीत सिंह के साथ एक युगल गीत है। सिंह ने गीत को दो अन्य संस्कार भी गाए हैं, मेरे ढोलना अरिजीत संस्कारन और अमीर दो तुमर डावड, जिसे बाद में तुषार जोशी ने फिल्म संस्कार के लिए गाया था। त्रिमा चंद्र ने फिल्म में गीत का एक और संस्कारन गाया है जिसे मुखर्जी द्वारा अभिनीत के पिता पर चित्रित किया गया जा रहा है। इस संस्कार को फिल्म में केवल संक्षेप सुना जाता है और आधिकारिक साउंडट्रैक में शामिल नहीं किया जाता है। 15 जून 2022 को टी सीरीज ने लीजो जांच द्वारा हम नशे में तो नहीं लोफी रिवार्डिव संस्करण जारी किया, जिसमें तुलसी कुमार ने अपने गायन को दोहराया, जहां उल्लेख किया गया है उसे छोड़कर सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है, जिसमें कम लोगों फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन में उछाल दिखाया। दूसरे दिन लगभग 35 से 40% की एक समान वर्धित हुई है और यह दर्शकों को स्वीकृत का संकेत है। भूल भुलैया 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 14 लाख 11 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 18 लाख 34 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने कुल घरेलू सप्ताह संगीत को 55 लाख 96 करोड़ तक ले जाते हुए 23 लाख 91 करोड़ का संगीत किया। 20 जून 2022 तक फिल्म ने भारत में 2,736 करोड़ की, विदेशों में 42 से 61 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 25 से 97 करोड़ के सकल संग्रह के लिए 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अहमियत भरा जवाब, भूल भुलैया 2 को आलोचकों से संक्रमण समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया पूरी तरह से मनोरंजक है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। द टाइम्स ऑफ के बल्बी डे पुरकास्ता भारत में इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 दुख और सुख एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस से के रोहित वत्स ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 एक साउंड एंटरटेनर है और विशिष्ट बॉलीवुड मसाला फिल्मों की पंक्ति में अगली है। पिंकविल के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक कियारा और तबू लायू
अपने हिस्से तक फिल्म में एक सामूहिक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लाने की क्षमता है। इंडिया ढूंढे के तुषार सोसी ने इसी तरह फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 में सभी है मसाला और मसाले स्वाद कलियों को तुपत करने के लिए यह जगहों पर मज़ेदार है। डरवाना होने की कोशिश करता है जयादार समय, लेकिन अपने शिष्य की तरह इसके प्रयास कहीं भूल भुलैये में खो जाते हैं। लहराने की भारती प्रधान ने भी इसे वही रेटिंग दी और लिखा, तब्बू ने एक बार फिर साबित किया कि वह प्रदर्शन में बहुमुख प्रतिभा का एक दुर्लभ मित्रन है। एक गिरफ्तार चेहरे के साथ यह उस तरह की फिल्म नहीं है जहां आप तक की तलाश में सकते हैं, जिसमें अपने कुछ भूखंड भवानीगढ़ एक हवेली में 2004 पुजारी का एक देशपूर्ण भावना को समेत पुजारी एक देशपूर्ण भावना को सीमित करते हैं, जो परिवार एक बहु अंजलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमाद है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान रदवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गृहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम कर देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी, एक दुर्घटना में हर यात्रा की मौत हो गई। रीत का परिवार उठा रहा साल 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चचेरी बहन त्रिशा सुन नहीं पाई, रीत त्रिशा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा और देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार के अनुमान के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में पिछने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित का एक पुजारी ने हवेली के दरवाजे खोले और रित के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और गर्मीन हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर सिस्ती को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे वहां ले गई है। उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैंडुक हवेली में रहने के और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखने की है। उसे बुला 18 साल पहले, हालांकि अदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को कुहिद और धोखा दिया। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने के एंकात की तलाश की थी, ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और अदय 68 साइज की गर्मीट होहेरल लाइब्रेरी में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सिकपट केवल शोक के लिए उपलब्ध है। छात्र फिल्म निर्माता लेख और अभिनेता निर्मित सरमंचों में से है, जिसका नाम है सुरेंद्र सानू, शाहरुख खान खान पंजाब पावर के लिए काम करने वाला एक शर्मिल और मधुभाषी कलैया कर्मचारी है, जो फेक्सर सीरीज गुप्त एक रैना की खुशहाल बेटी तानी गुप्ता अनुष्का शर्मा की शादी में जाता है, जिसका छात्र वह है था
उसे पहली नज़र में उसके प्यार हो जाता है, लेकिन वह इस वक्त नहीं करता है पता डूब गए से तानी के मंगेतर और उसके परिवार के सभी सदस्य एक सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसके कारण तबाह हुए फिक्सर गुप्ता को बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ता है। उस तुरंत एक अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी पर वह सुरिंदर की तानी से शादी करने की अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। सुरिंदर इसके लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वह पहले से ही तानी से प्यार करता है, जो मरने वाले फिक्सर गुप्ता की आखिरी इच्छा को पूरा करने में भी संकोच नहीं करता है। फिक्सर गुप्ता की मृत्यु को बांध सुरेंद्र का तानी के साथ अचानक विवाह हो जाता है और वह उसे पंजाब के अमृतसर में अपने पैतृक घर के ले जाता है। एक बार वह अपनी दयालु प्रकृति और उसके प्रीत समान दिखाना शुरू कर देता है। वह उसे अपना सेनाकच भी अपने पास रखने देता है और अटारी में सोता है, लेकिन उसके लिए अपने प्यार को कबूल करने से बहुत डरता है। उस रात वह एक अच्छी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाती है और इस तरह सुरिंदर के जीवन में उसकी भूमिका का सम्मान करती है, लेकिन कहती है कि वह उसे या किसी और से भी फिर भी कभी प्यार नहीं कर सकता। अगले दिन वह उसके लिए नाश्ता तैयार करना शुरू करती है और वह उसकी देखभाल के लिए आभारी है। बाद में तानी को अमुस्तार में एक नई प्रतियोगिता का एक पोस्टर मिलता है और सुरिंदर से उसे इसमें भाग लेने के लिए कहता है, जिसके लिए वह स्वेच्छा से सहमत होता है और फीस का भुगतान करने में भी उसकी मदद करता है। सुरेंद्र बाद में अपने दोस्त बलविंदर ऑफ बाबी घोसला विनय पाठ के एक हेयर सैलून मालिक से कुछ सवारने की सलाह मांगता है, जो उसे तानी का प्यार जीतने में मदद करता है कर सके। बाबी सुरेंद्र को पूरा मेकओवर देता है, जिसमें उसे ना बनाना भी शामिल हो, जिसके उसे संवारने की सलाह देता है, उसे संवारने की सलाह जो उसे तानी का प्यार जीतने में मदद कर सके। बाबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदलाव देता है, जिसमें उसे अपनी चश्मे का उपयोग नहीं करना, उसकी मूंछों को ट्रिम करना, उसके केस को फैशनेबल सफाई की शैल में बदलना और इसके प्रकार के धूप के चश्मे और बड़े आकार के पोस्टर लेस के साथ काफी शैली है कपड़ों में फिट करना शामिल है। इस प्रकार वह राज कपूर नाम को एक जोरदार और मज़ेदार लड़के में बदल जाता है, जो तब जातानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतिभागियों को दो समूह में रखा जाता है, समूह हरा और समूह लाल। अधिक संख्या के साथ संयोग से राज और तानी की संख्या समान है, 21 अनुतियाँ में भागीदार बन जाते हैं। राज उसे नए को शांत छवि देने की कोशिश करता है और वह उसे देती है कि यदि वे जितना संभव हो सके अपने नृत्य को अभ्यास करते हैं तो वे रूप से प्रतियोगिता में प्रधान आएंगे, जिसके बाद राज सुरेंद्र के चरित्र को तानी के प्यार को जीतने की उम्मीद के साथ मजाक उड़ाता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और अपने डांस रूटीन में साथ काम करने की शुरू कर देता है। वह अंत सभी प्रतियोगिता प्रतिभागियों के बीच शर्मा 10 जोड़ों में चुना जाते हैं और फिर दोनों एक रेस्तरा में रात का खाना खाने जाते हैं, जहां राज ने कई पानी पूरी खाने की उनकी बीच प्रतियोगिता झील
जीत ली हालिका। हालांकि घर लौटने पर सुरेंद्र ने तानी दारत तैयार की गई बिरयानी को शालीनता से खाया और दोपहर रात का खाना खाने के पेट में दर्द हो गया और इसे खाने के लिए कुछ दिनों के बाद अपने जन्मदिन पर राज पूरा दिन तानी के साथ बिताता है और रात में आई लव यू का जादू बिखरने के लिए अमृतसर शहर की रोशनी को आकार देने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की समझाओ का उपयोग करके उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है। एक हैरान तानी को राज के बावजूद एक दुविधा का एक सम्मान करता है पड़ता है कि वे दोस्त बने सकते हैं भले ही वह उसकी भावनाओं को प्रतिदान करे ना करे। वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहती है जिससे वह भयभीत हो जाता है। सुरेंद्र को भी एक दुविध का सम्मान करता पड़ता है क्योंकि वह तानी को अपने भेष के बारे में नहीं बता सकता। उस भाभी से सुरेंद्र को रूप में प्यार जीतने की सलाह मिलती है लेकिन राज को रूप में नहीं। एक रात सुरेंद्र तानी को एक व्यापार में मेले में ले जाता है जहां वह जापान के लिए दो एयरलाइन टिकट जीतने के लिए मुसुमो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन अंत विशाल समूह पहलवान को हराने में सफल हो जाता है। यह देखकर तानी हैरान हो जाती है और घर की सुरेंद्र को चोटों को टेंसिंग करते हैं। समय वह उसके कायों के पीछे का कारण जानने की मांग करती है और उससे विनती करती है कि वह उस पर अपनी देखभाल ना करे क्योंकि वह उसे चुकाने में सजग नहीं होगी। सुरेंद्र समझाता है कि बस सच्चे प्यार का भुगतान नहीं किया जा सकता है और निराश है क्योंकि तानी इसे अपने मूल रूप के रूप में नहीं बल्कि राज के रूप में नहीं देख सकता है। उस रात बाद में तानी एक गैरेज में राज के साथ फिर मिलती है और उसे अपनी द्वंद्व व्यक्त करती है। वह प्रतियोगिता के बाद अगली रात उसे उसके साथ भागने की फैसला करता है। सुरेंद्र बाबी को बताता है कि वह तानी के प्यार के लिए अपनी लालसा को त्याग कर अपनी संबंधी छोड़कर खुद को दिल्ली में स्थानांतरित करके इस रथ को अपने तरीके से समाप्त कर देगा। अगले दिन सुरेंद्र तानी को उसके प्रदर्शन के लिए और आंतरिक रूप से राज के बिना उसके जीवन के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सवन मंदिर में ले जाता है। वही तानी का मानता है कि भगवान ने उसे एक संकेत दिखाया है कि वह सुरेंद्र के साथ उसकी शादी देवी रूप से प्रेरिता है। पहली बार वह सुरेंद्र पर जितना करती है और उसके पास जितना रहता है। प्रतियोगिता के बाद अगली रात उसके साथ भागने का फैसला करता है। सुरेंद्र बाबी को बताता है कि वह तानी के प्यार के लिए अपनी लालसा को त्याग कर अपनी संपत्ति छोड़कर खुद को दिल्ली में स्थानांतरित के इस रथ को अपने तरीके से समाप्त कर देगा। अगले दिन सुरेंद्र तानी को उसके प्रदर्शन के लिए और आंतरिक रूप से राज के बिना उसके जीवन के लिए भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सहन मंदिर में ले जाता है। वही तानी का माना है कि भगवान ने उसे एक संकेत दिखाया है कि सुरेंद्र के साथ उसकी शादी देवी रूप से प्रवित है। पहली बार वह सुरेंद्र पर प्रतिबिंबी करती है और उसे अपने चरित्र में
ताकत और अखंडता का एक एहसास होता है, कुछ ऐसा जिसे वह प्यार में बदल देती है। उसे रात वह राज से कहती है कि वह उसे सुरेंद्र के ऊपर नहीं चुन सकती, क्योंकि वह यह भगवान को छोड़ने के बराबर है। वह उसकी आंखों में आंसू के साथ सदमे की स्थिति में उसे छोड़ देती है, लेकिन राजगुप्ता रूप से खुश हो है कि तानी अपने सच्चे सौ से प्यार करती है। जब उनके प्रदर्शन का समय आता है तो तानी राज के बजाय सुरेंद्र को मंच पर शामिल होते हैं देखकर चौंक जाती है। नृत्य करके समय वह इस तथ्य के प्रीति जागती है कि वह फ्लैशबैक की एक को माध्यम से वह वास्तव में राज है। उनके प्रदर्शन के बाद तानी ने सुरेंद्र को मर्च के पीछे का सामना करना पड़ा और उसने स्वीकार दिया कि वह उससे भगवान से ज़्यादा प्यार करता है, कि वह स्वीकार करती है कि वह उसकी भगवानों और दोनों को अगले लगाती है। फिल्म सुरेंद्र और तानी को प्रतियोगिता जीतने के साथ समाप्त होती है और कहानी हर साधारण जोड़े में एक असाधारण प्रेमी कहानी है को करती है। फिल्म का अंत सुरेंद्र और तानी के व्यापार मेले में प्रपात टिकटों में माफिया से जापान जाने के साथ होता है, जिसका नाम है फिल्म मकान। मई 2008 में शुरू हुआ। यश चोपड़ा शूटिंग के दौरान मौजूद थे। पंजाब के अमृतसर में सावन मंदिर में खान के साथ एक हिस्से की शूटिंग की गई थी। सोरे खान को ओम शांति ओम 2007 के गीत दर्द डिस्को के लिए विकसित किए गए सिक्स पैंक एब्स को खोना पड़ा, क्योंकि वह एक बहुत ही सामान्य निमित्त वैयक्तिक की भूमिका निभा रहे थे। संगीत रिहाई स्मरण करना रब ने बना दी जोड़ी को 12 दिसंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 120 से अधिक संकीर्णों पर रिलीज किया गया था, जिसके विदेशी बाजार के लिए लगभग 30 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले फिल्म ने बड़ी मात्रा में अंगीम बुकिंग देखी। अंतिदे चोपड़ा को जो अपनी फिल्मों पर गोपनीयता बनाए रखने और रिलीज के दिन तक उन्हें अब किसी को नहीं दिखाने के लिए जाने जाते हैं ने एक अपवाद बनाया और 23 नवंबर 2008 को यश राज शूटिंगों में एक विशेष संकीर्ण आयोजित के संकीनी में खान और उनके परिवार करण जौहर यश चोपड़ा और नवोदित शर्मा भाग लिया। इंडस्ट्री में इस बात को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी कि क्या अतिंद्र चोपड़ा को मुंबई में हुए आंतरिक हमलों के मच्छेंद्र फिल्म की रिलीज हो गए आगे बढ़ाने के फैसला सही थी। 26, 27 और 28 नवंबर को मुंबई शहर पर हुए आतंकवादी हमलों पर विभाजित रही थी, जबकि कुछ का माना आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन संकेत पर हमलों पर उसके बाद की अब खबरें देखने के बाद थकी हुई उदास जनता एक सच्चे मनोरंजनकर्ता की प्रतीक्षा कर रही होगी, जो अपने दिमाग को मोड़ने के लिए दूसरों ने सोचा कि उन्हें फिल्म को संगीत कर देने चाहिए। 10 को रूप में रिलीज न केवल मुंबई में बल्कि पूरे देश में अभी के सिनेमाघरों में जाने के मूड नहीं थे। 25 मार्च
उसे संवारने की सलाह देता है जो उसे तानिक का प्यार जीतने में मदद कर सके। बाबी सुरेंद्र को एक पूर्ण बदला देता है कि जिसमें उसे अपने चश्मे का उपयोग नहीं करना, उसकी मूछों को ट्रिम करना, उसके केस को फैशनेबल सफाई की शैली में बदलाना और उसे एविटर प्रकार के धूप के चश्मे और बड़े आकार के पोस्टल लेस के साथ फंकी शैली के कपड़ों में फिट करना शामिल है। इस प्रकार वह राज कपूर नाम के एक जोरदार और मज़ेदार लड़के में बदल जाता है जो तब तानी के प्रदर्शन को देखने के लिए नृत्य प्रतियोगिता के स्थान पर जाता है। वह प्रतियोगिता में शामिल होता है और कक्षा के अंत में सभी प्रतियोगिता को दो समूह में रखना जाता है, समूह हरा और समूह लाल। संख्या के साथ संयोग से राज और तानी की संख्या समान है, 21 और नृत्य में भागीदार बन जाता है। राज उसे नायकों की शांत छवि देने की कोशिश करता है और वह इस उसे देती है कि यदि वे जितना संभव है हो सके अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं तो रूप से प्रतियोगिता में प्रथम आएंगे, जिसके बाद राज सुरेंद्र के चित्रित को तानी के प्यार को जितने उम्मीद के साथ मजाक उड़ाता है। राज और तानी दोस्त बन जाते हैं और शुरू कर देती है वे अंत सभी प्रतियोगिता के बीच शर्मा 10 जोड़ों में चुने जाते हैं। और फिर दोनों एक रेस्तरां में रात का खाना खाने जाते हैं जहां राज ने कई पानी पूरी खाने की उनकी बीच प्रतियोगिता जीत ली। हालांकि घर लौटने पर सुरेंद्र ने तानी द्वारा तैयार की गई बिरयानी को शालीनता से खाया और दो बार रात खाना खाने से पेट में दर्द हो गया था। कुछ दिनों बाद अपने जन्मदिन पर राज पूरा दिन तानी के साथ बिताता है और रात में आई लव यू का जादू बिखरेना के लिए अमृतसर शहर की रोशनी के आकार देने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी की समझौताओं का उपयोग करके उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है कि एक हैरान तानी को राज के बावजूद एक दुविधा का सामना करना पड़ता है कि वे दोस्त बने रह सकते हैं भले ही वह उसका भगवानों के प्रतिदान न करे। वह उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने के लिए कहती है जिसे वह प्रभावित हो जाता है। सुरेंद्र को भी एक दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह तानी को अपने भेष के बारे में नहीं बता सकता है। वो उसे बाबी से सुरेंद्र के रूप में प्यार जीतने की सलाह मिलती है लेकिन राज के रूप में नहीं। एक रात सुरेंद्र तानी को एक व्यापार मेले में ले जाते हैं जहाँ वह जापान के लिए सुमो कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है लेकिन अंत विशाल सुमो पहलवान को हराने में सफल हो जाता है। यह देखकर तानी हैरान हो जाती है और घर पर आवाज़ को दी भूल भुलैया 2 के स्कोर को संदीप सिरकोडर ने संगीतबद्ध किया था जबकि गीतों में प्रीतम और तंसिक बागची ने संगीतबद्ध किया था जिससे बोल आमिता चाचाए समीर यो हानी सी मेडी गिल और सवेरी वर्मा ने लिखे थे। इसमें नीरज धीतर द्वारा 2007 की फिल्म के टाइगर ट्रेक का रिमेक संगील है। शुरुआत में 31 जुलाई 2020 को रिलीज के लिए तैयार भूल भुलैया 2 को 19 महामारी के कारण देरी हुई थी। यह नाटकीय रूप से 20 मई 2022 को भारत में जारी किया गया था
और आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, विशेष रूप से कार्तिक आयना और तबू के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा के साथ 19 जून 2022 तक फिल्म ने दुनिया भर में 2597 करोड़ मिलियन कमाई और 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। और सबसे पहले भूखंड भवानीगढ़ के एक हवेली में 2004 पुजारी एक देशपूर्ण भवाना को सीमित पुजारी एक देशपूर्ण भवाने को सीमित करते हुए जो परिवार की बहू अंजुलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमादा है, परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022 हिमाचल प्रदेश में रूहान राधवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गुहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी एक दुर्घटना में हर यात्री की मौत हो गई। रीत का परिवार 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चरेरी बहन त्रिषा सुन नहीं पाई, रीत त्रिषा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा कर देती है। उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार को अनुमानों के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतुक हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित एक पुजारी ने हवेली को दरवाजे खोले और रीत के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और ग्रामीण हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर रिश्ते को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे हवा ले गई और उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैतुक हवेली में रहने और उसकी बहन त्रिषा की शादी को देखना चाहते हैं। अपने परिवार को पुश्तैनी हवेली में रहते और अपनी बहन त्रिषा की शादी को देखने के लिए रूहान के प्रभाव में ठाकुर सागर के साथ त्रिषा की शादी तय करते हैं। रूहान आत्माओं के साथ संबंध करने की अपनी अनुमानित क्षमता के कारण रूह बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है। रूहान और रीत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जब रूहान को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, अंजुलिका रीत की भाभी उसे कमरे में दूर रहने की चेतावनी देती है और अंतित का खुलासा करती है। मंजुलिका की आत्मा है अंजुलिका की जुड़वा। अजब उनके पिता को ठाकुरों के लिए खातों में प्रधान करने के लिए वह कहा गया तो बहने हवेली में चली गई। मंजुलिका के ऊपर उनके पिता द्वारा अंजुलिका की प्रतिभा का समर्थन करने से बाद में इस या पैदा हुई, जो वर्षों बीतने के साथ साथ उसकी बहन के लिए गुना में बादल गई। दोनों बहनों को उठा रहा साल 18 साल पहले 2004 में रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया था। हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदलना लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने में अंकात की तलाश की थी ने उसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया।
अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मरक्षा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत न होने बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही। और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया और कुछ दिन बाद 18 साल पहले, हालांकि उदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को क्रोधित और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काल जादू सीखने के एकांत की तलाश की थी ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और उदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बेरहमी से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और आत्मरक्षा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि उसने आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रहे। उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान और रीता को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका व्यवसाय रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित हो रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाशी का नृत्य करते हैं। यह जानते हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, रीत ने वहाँ छिपने का संकल्प लिया और छोटे पंडित के आरोप परिवार पर झूठे साबित होते हैं। मुत्क मंजुलिका अंजुलिका पर हमला करती है जिससे रीत के जीवित होने की सच्चाई का पता चलता है और रूहान और रीत के साथ हाथ मिलाती है ताकि आत्मा को भगाया जा सके। वे उसी पुजारी से मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन की आवश्यकता है। मंजुलिका की आत्मा उस पुजारी के पास है जो उसे अपने द्वारा मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मार डालता है। रूहान का सामना आत्मा से होता है और वह डर के मारे छत से गिर जाता है और कुछ दिन बाद रूहान महल में लौटता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है कि वह उसके पास है। ठाकुर रीत को देखते हैं और सीखते हैं कि वह जीवित है। रूहान ने अंजुलिका पर हमला किया जो रीत को मानवा ढाल के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर रूहान उस पर हमला करता है और उसे अंजुलिका के रूप में संबोधित करता है तो उसका गला काटने की धमकी देकर परिवार को प्रभावित करता है। रूहान ने खुलासा किया कि वह आत्मा के पास होने का एक काय कर रहा है
और बताता है कि फंसी हुई आत्मा अंजुलिका के साथ है और जो उठा रहा वर्षों 18 वर्षों से परिवार के साथ रह रही थी है वह मंजुलिका है। 18 साल पहले मंजुलिका की शादी होने का खुलासा करने वाली पुजारी की मदद से अपने पिता की हत्या करने के बाद मंजुलिका ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अंजुलिका को प्रभावित किया और उसकी पहचान चुरा ली। काले जादू को प्रभाव में मंजुलिका को वेश में अंजुलिका ने मंजुलिका पर हमला किया जिसने आत्मराजिका के बहाने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। जब अदय को सच्चाई का पता चला तो मंजुलिका ने उसे लकवा मारकर बलकानी से धक्का दे दिया और इस तरह उसे अपना सच बताने से रोक दिया। सच्चाई जानने के लिए उसने परिवार के 8 सदस्यों को भी मार डाला। वर्तमान में मंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर हमला करती है और उसे कमरे में पकड़ लेती है। वह 18 साल से IN में फंसी हुई थी। अंजुलिका की आत्मा उसके परिवार के साथ एक पल बिताती है और रीत के पिता से रीत को उसके झूठ के लिए माफ़ करने के लिए कहती है जैसे उसने त्रिशा के लिए किया है। वह रूहान को धन्यवाद देती है और परिवार को जानने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बहन के साथ उसका काम अधूरा है। जबकि अंजुलिका कमरे के प्रवेश करती है और मंजुलिका की चीखें सुनाई देती है। परिवार दूसरी बार हवेली को छोड़ देते हैं और फिल्म के संगीत प्रीतिमा द्वारा तैयार किया गया था जबकि तनिष्का बागची शंकर टेक को फिर से बनाने के लिए अतिथि संगीतकार के रूप में दिखाई दी और लिजो जांज के प्रीतम के साथ हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइवेड संस्कार को पनु प्रस्तुत किया। गीत अमिताभ चट्टुजाय समीर योयो हनी सिंह मैंडी गिल और सवारी वर्मा द्वारा लिखे गए थे। गीत भूल भुलैये 2 सिस्को ट्रैक को 2007 की फिल्म भूल भुलैये के सिस्को ट्रैक से फिर से बनाया गया था जिसे नीरज धीरज ने गाया था और समीर ने लिखा था। पनु निर्मित टेक में प्रीतम द्वारा रचित की एक अतिरिक्त कविता है जिसके बोल मैंडी गिलन ने समीर को मूल गीतों के साथ लिखे है। मेलोडी और बाब के रू रेप के साथ नीरज धीरर ने गाने पर अपने सवारों को फिर से गाया है। प्रेक्वल के गाने अमी जे तुमर मेरे डोलना सुन को भी फिल्म में बरकरार रखा गया है। त्रेया घोषाल जिन्होंने भूल भुलैये में मेरे ढोलना गया था ने गाने के लिए अपनी आवाज़ दोहराई। घोषला के गायन के साथ गीत के 3 संस्कार ने हैं वे हैं मेरे ढोलना द सिस्टर्स मेरे ढोलना पुनरिजित और अमीजे तुमर कियारा का डर हो जो अरिजीत सिंह के साथ एक युगल गीत है। सिंह ने गीत को 2 अन्य संस्कार भी गाए हैं मेरे ढोलना अरिजीत संस्कारन और अमीज दो तुमर डावड जिसे बाद में तुषार जोशी ने फिल्म संस्कार के लिए गाया था। त्रिमाच चंद्र ने फिल्म में गीत का एक और संस्कारन गाया है जिसे मुखर्जी द्वारा अभिनीत के पिता पर चित्रित किया जा रहा है। इस संस्कार को फिल्म में केवल संक्षेप सुना जाता है
और आधिकारिक साउंडट्रैक में शामिल नहीं किया जाता है। 15 जून 2022 को टी सीरीज ने लीजो जांच द्वारा हम नशे में तो नहीं लोफी रिवाइव संस्करण जारी किया, जिसमें तुलसी कुमार ने अपने गायन को दोहराया, जहां उल्लेख किया गया है उसे छोड़कर सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है, जिसमें कम लोगों फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन में उछाल दिखाया। दूसरे दिन लगभग 35 से 40% की एक समान वर्धित हुई है और यह दर्शकों को स्वीकृत का संकेत है। भूल भुलैया 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 14 लाख 11 करोड़ की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने 18 लाख 34 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म ने कुल घरेलू सप्ताह संगीत को 55 लाख 96 करोड़ तक ले जाते हुए 23 लाख 91 करोड़ का संगीत किया। 20 जून 2022 तक फिल्म ने भारत में 2,736 करोड़ की, विदेशों में 42 से 61 करोड़ की कमाई की। दुनिया भर में 25 से 97 करोड़ के सकल संग्रह के लिए 2022 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। अहमियत भरा जवाब, भूल भुलैया 2 को आलोचकों से संक्रमण समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के लिए एक समीक्षक ने फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया पूरी तरह से मनोरंजक है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। द टाइम्स ऑफ के बल्बी डे पुरस्कार भारत में इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 दुख और सुख एक समूह है। डेली न्यूज एंड एनालिसिस से के रोहित वत्स ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 एक साउंड एंटरटेनर है और विशिष्ट बॉलीवुड मसाला फिल्मों की पंक्ति में अगली है। पिंकविल के अविनाश लोहाना ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, कार्तिक कियारा और तबू लायू अपने हिस्से तक फिल्म में एक सामूहिक अपील है और दर्शकों को सिनेमाघरों में वापस लाने की क्षमता है। इंडिया ढूंढे के तुषार सोसी ने इसी तरह फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा, भूल भुलैया 2 में सभी है मसाला और मसाले स्वाद कलियों को तुपत करने के लिए यह जगहों पर मज़ेदार है। डरवाना होने की कोशिश करता है ज़्यादातर समय, लेकिन अपने शिष्य की तरह इसके प्रयास कहीं भूल भुलैये में खो जाते हैं। लहराने की भारती प्रधान ने भी इसे वही रेटिंग दी और लिखा, तब्बू ने एक बार फिर साबित किया कि वह प्रदर्शन में बहुमुख प्रतिभा का एक दुर्लभ मित्र है। एक गिरफ्तार चेहरे के साथ यह उस तरह की फिल्म नहीं है जहां आप तक की तलाश में सकते हैं, जिसमें अपने कुछ भूखंड भवानीगढ़ एक हवेली में 2004 पुजारी का एक देशपूर्ण भवाना को समेत पुजारी एक देशपूर्ण भावना को सीमित करते हैं, जो परिवार एक बहु अंजलिका पर एक कमरे में हमला करने पर आमाद है। परिवार अपनी सुरक्षा के लिए हवेली को छोड़ देता है। 18 साल बाद 2022
हिमाचल प्रदेश में रूहान रधवा रीत से मिलता है, जो अपनी मंगेतर सागर से अनिच्छा से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते अपने गृहनगर भवानीगढ़ राजस्थान की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए एक बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत कार्निवल में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को कम कर देते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी, एक दुर्घटना में हर यात्रा की मौत हो गई। रीत का परिवार उठा रहा साल 18 साल पहले सुनसान हवेली के मालिक उसे मरा हुआ मानते हैं और रीत उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन एक फोन कॉल पर जिसे रिसीवर और रीत की चचेरी बहन त्रिशा सुन नहीं पाई। रीत त्रिशा और सागर के बीच हुई बातचीत को सुन लेती है और अपने अफेयर का खुलासा और देती है उन्हें शादी करने का मौका देने के लिए। रीत उसके निधन के बारे में अपने परिवार के अनुमान के साथ खेलती है और रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में पिछने का फैसला करते हैं, लेकिन छोटे पंडित का एक पुजारी ने हवेली के दरवाजे खोले और रित के परिवार ठाकुर को सूचित किया। ठाकुर और गर्मीन हवेली में प्रवेश करते हैं और रूहान को देखते हैं, जो झूठ बोलकर सिस्ती को कवर करता है कि रीत की आत्मा उसे वहां ले गई है। उसकी अंतिम इच्छा उसके परिवार को पैंडुक हवेली में रहने के और उसकी बहन त्रिशा की शादी को देखने की है। उसे बुला 18 साल पहले हालांकि अदय ने मंजुलिका की भावनाओं का बदला लेने के लिए मंजुलिका को कुहिद और धोखा दिया। मंजुलिका जिसने काला जादू सीखने के एंकात की तलाश की थी, ने इसे अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजुलिका और अदय की शादी के बाद उसी रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने पिता को बहरमाई से चाकू मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया और अंतमा में मंजुलिका को चाकू मार दिया। मौत होने का बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवा मार गई। पुजारियों ने मंजुलिका को तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में रीत के पिता रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका के त्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला था। एक रात छोटे पंडित रूहान को रीत को हवेली के चारों ओर घूमते हुए पता है और सच्चाई का पता लगाता है। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से, जिनका रूहान की लोकप्रियता के कारण प्रभावित है रहा है, छोटे पंडित हवेली में तलाश आने का नृत्य करते हैं। यह जानने हुए कि कोई मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, रीत ने वहां छिपना के संकल्प लिया और छोटे पंडित के रूप में परिवार के झूठ बोला साबित कर दिया। आवाज़ को